थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी तो लोग वहाँ मुझे ताने कसते थे, हुटिंग करते थे। कभी कभार मैं अपना लंच बॉक्स भी वापसी ले आती। लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग आखिर में यही कहेंगे इन्ना लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोली बोलते बोलते घर तक छोड़कर आ जाते हैं, वो पत्थर मारते हैं, पथराव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनोबर छोटी है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ज़िंदगी जब दुनिया में आता है इंसान और उसको जब तक पता नहीं होता कि हम क्या हैं। जब मैं बड़ी हुई अपने माँ बाप के साथ मेरा अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मुझे जब तक पता नहीं था कि मेरी हाइट छोटी है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी तो लोग वहाँ मुझे ताने कसते थे, हुटिंग करते थे। कभी कभार मैं अपना लंच बॉक्स भी वापसी ले आती थी तो मेरी वालदा कहती थी ये लंच क्यों बचा हुआ है। तो अपनी वालदा को मैं कहती थी कि भाई मेरा बच्चे बहुत मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं जाऊँगी स्कूल, मुझे नहीं पढ़ना। तो वालदा थोड़ा अपसेट हुई, परेशान हुई, क्योंकि हम 4 बहन भाई हैं। हम चारों बहन भाइयों की हाइट एक सेम है क्योंकि हम अपने फादर पर गए हैं। मेरे फादर का बहुत बड़ा नाम अकबर चंचल साहब, जिन्होंने उमर शरीफ के साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया। आज उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके लिए भी आप दुआ कीजिएगा। मदर की हाइट लंबी थी, फादर की हाइट छोटी थी। तो मदर कहती थी कि बेटा दुनिया में आना है तो जीना है। और मदर के एक बैग इधर होता था, एक बैग इधर होता था। बहुत स्ट्रगल किया मदर ने हमारे पीछे। हम अपने हाथ से कुछ खा नहीं सकते थे। हम चारों बहन भाई बैठे होते थे तो हमारी माँ अपने हाथों से हमें खिलाना, नहलाना, कपड़े चेंज करना। इवन के हम जो है कुछ नीचे से ऐसे उठा के भी नहीं खा सकते थे। बड़े मसले मसाइल हुए, लेकिन हमारी माँ को शाबाश है जिन्होंने इतना हमें माशा पढ़ाया भी। वरना मेरे वाले साहब तो कभी कभार कहते हैं छोड़ो नहीं पढ़ाओ, हाइट का इशू है और इनके साथ बदतमीज़ी होती है, लोग मजाक बनाते हैं। तो मेरी मदर ने कहा नहीं, दुनिया में आए हैं तो जीना है ना, और कद छोटा होने को याद नहीं है। ये बच्चे मेरे बहुत बड़ा नाम करेंगे एक न एक दिन। बड़े भाई माशाल्लाह बीकॉम, मैंने इंटर, 2 छोटे बहन भाइयों ने मैट्रिक किया साइंस से, और माशाल्लाह आज आपके सामने। उसके बाद जब ज़िंदगी आपको पता है आगे चलती गई, शादी। अब जब बेटी है तो शादी तो करनी है। मसला ये था मुझे शादी तो करनी नहीं थी, हाइट छोटी थी, इस वजह से तकलीफ़ होती थी कि पता नहीं कौन करेगा मुझसे शादी। लेकिन जब रिश्ता आया माशाल्लाह, अब जो मेरी शादी हुई है सेकंड मैरिज है। मैं अपनी पहली की लाइफ के बारे में थोड़ा आपको बताऊं। मेरे पहले वाले जो हस्बैंड थे उनकी हाइट छोटी थी, उनसे मेरी शादी हुई। मैंने इंटर के इम्तिहान दिए, उसके बाद मेरी शादी है। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा शादी तो करनी है ना, कब तक ऐसी बैठी रहोगी और कब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, शादी करनी है। माँ की बड़ी हिम्मत, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। क्योंकि घर आपका जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, आपको अपने घर से मिलता है। अगर आपको अपने घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं उन माओं से भी कहूँगी जिनके बच्चे डिसेबल हैं, छोटी हाइट वाले, उनको कभी एहसास कमतरी ना समझें। उनको बोना बोनी और नाबीना और मोटे इस तरह आवाज़ें ना लगाएं। अगर आप घर में इस तरह उनके साथ बिहेवियर करेंगे, आपस में बहन भाई एक दूसरे के साथ ऐसा बोलते हैं, तो वहीं से आप जो है ना डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर आगे आप बढ़ नहीं पाते। मैं कहती हूँ दुनिया में आँख नाक हाथ पाँव से बड़ी कोई नेमत नहीं। आज दुनिया में मेरा नाम है, सनोबर छोटी के नाम से मैं जानी मानी पहचानी जाती हूँ। शादी के बारे में बात करते हैं। शादी हुई मेरी पहली, अच्छा टाइम गुजरा, सेम थे, कोई इशू भी नहीं था क्योंकि ना उनको कोई कुछ कह सकता है ना मुझे कोई कुछ कह सकता है। दोनों की हाइट एक जैसी थी। उनसे मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम मोहम्मद इस्माइल है। 6 साल मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। जहाँ तक मेरी सपोर्ट थी मैंने उनको सपोर्ट किया। मैंने टीचिंग भी की है। अच्छा, जब टीचिंग करती थी तो टीचिंग में भी लोग, बच्चे मेरा जो मेरे साथ, मेरे स्टूडेंट मेरा मजाक उड़ाते थे। हाँ मिस इतनी छोटी सी हैं, आप कैसे पढ़ाएंगी हमें। लेकिन मैं चेयर रखती थी, चेयर पे खड़ी होती थी और वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, मेन कॉन्फिडेंस लेवल इज बिटवीन। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा तो आप जो है कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। तो मैं उन कुर्सी पे चढ़ के बस शुरू, और उनको पोएम पढ़ाना डांसिंग के साथ। वो बच्चे ऐसे अटैच हुए, फिर वो तो उनके वालिद साहब, उनकी वालदा अप्रिशिएट करते थे मुझे, यहाँ तक गिफ्ट्स देते थे कि यार वाकई में आप मिसाल कायम कर दिया आपने, आप बड़ी हिम्मत वाली हैं। तो मैंने उनकी लाइफ में टीचिंग की, 5 साल तक मैंने टीचिंग की प्राइवेट स्कूल में। आपको पता है हमारा तो 2% कोटा भी है गवर्नमेंट की तरफ से, डिसेबल है हमारा, NIC डिसेबल है, लेकिन हमारा कोई हक नहीं दिया जाता। हम चारों बहन भाई एक जैसे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। खैर, तो जब शादी हुई उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छे थे। बेटा है आज माशाल्लाह, बेटा 8 साल का हो गया। बस उनको बाद में जो है ऐसा फील होने लगा कि मैं अब आपके साथ जो है ना नहीं रहना चाहता। वो ऐसा बिहेव करने लग गए थे कि मैं रक्षे में जाऊंगा, मतलब कोई मुझे पकड़ ना ले, और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं वहाँ काम नहीं करूंगा, मैं इधर काम नहीं करूंगा। जो है मेरा बस चिप्स का छोटा सा स्टॉल था उनका, बस चिप्स में ही उनका गुजारा था कि बस यही करूँगा, आगे नहीं पढ़ूँगा। मैं कहती थी भाई आगे तो बढ़ना है ना, ज़िंदगी को चेंज करना है। वो इसी डर की वजह से, जबकि वो मेरे साथ रहते थे, मेरे आधा कॉन्फिडेंस तो उनको मुझसे मिला है, लेकिन फिर भी वो जो है ना इस तरह के, मैं जो आपको पता है चंचल हूँ और थोड़ा शौकिया भी हूँ, घूमने फिरने की, बाहर निकलने की। वही बात है, कॉन्फिडेंस फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा है, तो उनके अंदर ना एहसास वाली फीलिंग्स, ना कोई ऐसी फीलिंग्स आती थी कि मतलब एक प्यार करना, वाइफ क्या चीज़ है, बच्चा क्या चीज़ है, बस सही अम्मी के साथ रहना, अम्मी के साथ रहना। करते करते मैंने उनसे उनके साथ मेरी डाइवोर्स हो गई। 6 साल मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद जो मरहला आता है, आपको पता है कितना मुश्किल वक्त होता है। डिवोर्स एक ऐसा दब्बा है लड़की के लिए, लड़का चाहे जैसा भी हो, लेकिन लड़की के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। जब मेरी डिवोर्स हो गई, मैं अपने फादर के पास आ गई। फादर भी मेरे इतने ज़्यादा मतलब नॉर्मल हैं, मतलब इतने पैसे वाले नहीं हैं। और एक भाई की मेरी शादी हो गई थी, 2 बहन भाई अभी भी मेरे कुआरे हैं। वही बात है, फैमिली की सपोर्ट, अगर उन्होंने मेरे पैसों से नहीं किया, मेरे हाथों से किया, उन्होंने ज़ुबान से किया मेरा ख्याल। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो होना तो हो गया, हमारे साथ रहो। फिर भी मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं बोलती नहीं, मुझे जो है ना अपने बच्चे के लिए करना है। वही बात आ जाती ना, माँ खुद भूखी रह जाएगी लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं रखेगी। बच्चा मेरे पास था, उन्होंने कह दिया था कि बच्चा दे दो, और कोर्ट वालों ने भी कहा था कि आप लिखवा लो बच्चे के बारे में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं लिखवाना, कुछ नहीं लेना, बस मेरा बच्चा मुझे दे दें। वरना काफ़ी लोग मुझे, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि बच्चा दे दो, कैसे ज़िंदगी गुजारोगी, आगे शादी भी होनी है, बच्चा एक्सेप्ट करें ना करें। मैं कहा मैं शादी करूँगी नहीं, मैं बच्चा अपने पास रखूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा, मेरे सामने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं किया जाता, और मेरे पीछे क्या किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है बच्चे की हर चीज़ मांगते हैं, आपको पता है कि भाई ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। 3 साल का था मेरा बच्चा, उसको हर चीज़ चाहिए। फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा जॉब स्टार्ट की। मैं उस वक्त अपने जब फादर के घर पर थी, 2-2 जॉब करती थी। सुबह जाती थी मैं 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कंप्यूटर क्लास में जॉब करती थी, कंप्यूटर क्लास देती थी। उसके बाद मैं कोचिंग जाती थी, रिसेप्शन में बैठती थी 6 बजे से लेके 10 बजे तक, क्योंकि आपको पता है कम सैलरी में गुजारा बिल्कुल भी नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं। एक बच्चा, फिर मैं, और वही बात है कि अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना था, बस उन्होंने रहने के लिए जगह दे दी थी, यही बहुत था। बहुत साथ दिया मेरे वालिद साहब ने, मेरे बहन भाइयों ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। वालिद साहब, बहन भाई आपके साथ होंगे तो कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन फिर भी लोग बोलते थे क्यों तलाक ली, क्यों ली, अरे मुझसे क्यों सवाल करते हैं, उनसे भी तो सवाल किया जाए कि क्यों दी, क्या आप में भी कोई ख़राबी होगी, कोई कमी होगी। जब भी ऐसा हुआ है दोनों तरफ से होता है, खाली एक तरफ से नहीं होता। तो बहुत मुश्किल वक्त गुजरा, उसमें भी लोगों ने बहुत सारी बातें की, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, ये फैशन क्यों कर रही है। वो ज़िंदगी भी वो भी पार हो गई। उसके बाद सेकंड मैरिज का मरहला आया, दूसरी शादी। वालिद साहब ने कहा बेटा शादी तो करनी है ना। मैं कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बेटा है, मेरे बेटे को कौन देखेगा, क्योंकि आपको पता है माशरा सेकंड हस्बैंड कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे इसको। मुझे तो देखेंगे समझेंगे लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। अच्छा, जिनसे मेरी शादी हुई है वो मेरे कज़न है, उनका नाम कबीर है और उनकी हाइट जो है माशाल्लाह टॉल है, लंबे हैं मेरे से। मेन चीज़ ये आ गई थी कि वो लंबे हैं, जब मेरे साथ मेरे छोटी हाइट वाले ने मुझे समझा नहीं तो ये कहाँ से समझेंगे, वो माशरा क्या कहेगा। तो प्रपोज़ल मेरे हस्बैंड की तरफ से आया था कि मैंने शादी करनी है, रिश्ता भेजा था उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी, मैं नहीं कर सकती, आप कहाँ मैं कहाँ। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि मैं आपसे शादी करके क्या पता आप मेरी आखिरत का ज़रिया बन जाए। बस वो बात ऐसी लगी दिल को। फिर मैंने उनसे अपनी बातें शेयर करी कि भाई मेरा बच्चा है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है तो मैं शादी करूँगी, वरना मैं नहीं कर सकती। फिर वो आपको पता है बच्चे गिफ्ट के शौकीन, जब उनकी बर्थडे आए उनको चीज़ें चाहिए, घूमना फिरना। मैंने उनके साथ उनको रखा एक महीने तक, वो उनके साथ रहे। मैं चेक कर रही थी कि ये कैसे इनकी बॉन्डिंग देख रही थी कि ये रहेंगे नहीं रहेंगे। माशाल्लाह उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग हुई कि वो बेटा उन्होंने बना लिया अपना, वो पापा बना लिया उन्होंने उनको अपना। माशाल्लाह उनके अंदर दोनों में आपस में इतनी मोहब्बत हुई। फिर शादी का मरहला आया, शादी हुई। फिर उनके साथ जब मैंने शादी की, फिर लोगों का बिहेवियर ऐसा कि यार तुमने इससे कैसे शादी कर ली, क्या तुम अंधे थे, तुम कहाँ ये कहाँ। अरे हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, हमें अल्लाह ने बनाया, आप कैसे हमें बोल सकते हैं कि आपके अंदर ये ऐप क्यों है, आपके अंदर छोटा कद क्यों है, आप छोटे कद के क्यों हैं, आप कैसे बोल सकते हैं। आप तो बोल ही नहीं सकते, आपके अंदर आपको राइट ही नहीं बनता। कभी कभी तो ऐसा सवाल आता था कि यार तुम्हारा कद छोटा क्यों है, गांव देहात के लोग मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल। फिर उनसे शादी करने के बाद वही बातें यार, वो लंबा ये छोटी, गिल्ली डंडे की जोड़ी। फिर उसके बाद क्या बोला जाता था, पसंद से शादी करिए। पसंद थी जब भी शादी, अगर मुझे पसंद होता तो मैं 6 साल उनके साथ नहीं गुजारती। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बहुत बातें बनाते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये बात आ जाती है ना कि लोग क्या कहेंगे। बस इसको आपने सर्वाइव करना है और आपने ये वक्त आपने अगर बर्दाश्त कर लिया ना तो ये वक्त आपका है। उस वक्त मैंने बहुत बर्दाश्त किया और आज वही लोग मुझे सर झुका के सलाम करते हैं और मैं सर उठा के उनको सलाम करती हूँ। आज का जो टॉपिक, मैं यही कहूँगी कि लोग क्या कहेंगे। द रियल टॉक के ज़रिए लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग आखिर में यही कहेंगे इन्ना लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों की बातों में आपने कभी नहीं आना है। आम लड़कियां घबरा जाती हैं, नॉर्मल हाइट की लड़कियां। अच्छा, ये सवाल भी बड़ा आता है, क्या तुम छोटे कद की हो, बच्चा कैसे, मतलब 9 महीने तुमने कैसे सर्वाइव किया, कैसे चलती होंगी तुम ना, कैसे तुम्हारा पेट निकला हुआ होगा और कैसे अंदर सही घूम रहा था, मतलब सही कोई तकलीफ तो नहीं हुई। ऐसे ऐसे सवाल। मैंने अपने हस्बैंड के साथ जब शादी की ना, मेरे ख़ानदान वालों ने बहुत रोका मुझे कि नहीं करो, क्या पता उसने दूसरी शादी की हुई हो, क्या पता वो किसी और को पसंद करता हो, क्या पता वो तुम्हारे साथ शादी करके दूसरी शादी करे। ऐसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप अपने ऊपर बात रख के देखें, जब आप अपने गिरबान में आप झाँकेंगे ना तो आपके अंदर भी बहुत सारे ऐब हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो उनसे मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड से, कबीर से। आज माशाल्लाह उनसे मेरी शादी को 5 साल हो गए। उनसे भी मेरा एक बेटा है, मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, मज़े की बात, जब मेरी इनसे शादी हुई उसके बाद आपको पता है औलाद का सिलसिला होता है और ये अल्लाह पाक ने सबके नसीब में लिखी है औलाद, मेरे नसीब में भी लिखी है अल्लाह पाक ने और दी अल्लाह पाक ने। जब मेरा यूसुफ होने वाला था तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि बच्चा लंबा होगा, आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बच्चा लंबा होगा? ऊपर वाले की ज़ात है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। उनका यही माइंड था कि बाप लंबा है, बाप पे जाएगा बच्चा, लंबा होगा, लंबा होगा। पेट देखते थे, मेरा पेट बड़ा है, लंबा होगा बच्चा, यही होती थी उनकी सोच ना, लंबा होगा। मैं परेशान अंदर अंदर घुटती थी। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी, यार अगर मेरा बच्चा छोटे कद का हुआ कि आप मुझे तलाक दे दोगे, मुझे छोड़ दोगे? वो ऐसे बोलते थे। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ 8वें महीने में, मैं बाहर रिपोर्ट लेकर आई। मैं थोड़ा अफसरदा हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा, क्या हुआ? कबीर, आपका जो बच्चा है ना, वो मेरे जैसा है। तो उसमें रोने वाली क्या बात है? मैं कहा, वो जो आपके घर वाले कहते थे कि लंबा होगा, लंबा होगा, अब वो देखेंगे वो क्या बोलेंगे। शादी मैंने करी आपसे, मैंने आपको कबूल किया है, तो ये बच्चा भी मैं कबूल करूँगा। वो और मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं शुरू से ही यही सोचता था, पहले दिन से, फर्स्ट मंथ से, कि मेरा जो बेटा आए या बेटी आए, वो मेरे बड़े बेटे की तरह हो, क्योंकि जब दोनों एक जैसे होंगे तो आपस में ज़िंदगी बहुत आसान होएगी। कोई किसी को नहीं कहता था कि तू लंबा है, तू छोटा है, क्योंकि वो मेरा पहले हस्बैंड से बेटा, क्योंकि आपको पता है माशरा है, बताया हुआ है। मेरे जो पहला मोहम्मद इस्माइल जो है, बड़ा वाला बेटा, उसको सब बताया हुआ कि आपके 2 पापा हैं। ख़ानदान वाले कहते हैं कि ये बाप तुम्हारा दूसरा है, पहला बाप है, और अभी पता है उसको, सब बातें पता है। तो लोग कहेंगे क्या तुम्हारा भाई वो लंबा, तुम छोटे, या तुम छोटे वो लंबा। तो वो इनका ये सोचती कि भाई जो मेरा बेटा है, बेटी है, वो मेरे बड़े वाले बेटे की तरह हो, तो ज़िंदगी दोनों की आसान होगी, दोनों में कभी भी ऐसा एहसास से कमतरी नहीं होगा। मतलब दोनों जो है एक दूसरे को देखकर चलेंगे, ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, वरना होता है घरों में, ऐसा बात होता है कई जगहों। आजकल आप लोग देखते हैं ड्रामे, काफ़ी ड्रामे ऐसे होते हैं जिसमें बताते हैं, मैसेज देते हैं कि वो छोटे कद वाले को, भाई को ज़्यादा तरजीह नहीं देती, माँ भी करती हैं ऐसा, बड़े को ज़्यादा देती, लंबे कद है और वो छोटा कद है। तो मेरा हस्बैंड खुश, इतना खुश कि नहीं यार ऐसे कैसे बोल दिया तुमने। और कह रहे वो घर पे किसी को नहीं बताया उन्होंने। जब वो दुनिया में आया और जब वो थोड़ा बड़ा होने लगा, तो मेरी नंदे कहती थी यार ये तो इसी के जैसा है। तो मेरे हस्बैंड ने वहीं उनका मुंह बंद कर दिया। मेरी औलाद है जैसी भी है, और मैं शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मुकम्मल इंसान वाली औलाद दी है।